चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार लगभग खत्म होने को है। इसरो ने संभावनाएं जताई है कि 23 अगस्त को शाम करीब 6 बजे चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। देश में चारों ओर चंद्रयान 3 को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन क्या आप भारत के पहले मून मिशन यानी चंद्रयान 1 के बारे में जानते हैं? उस दौरान चर्चाएं होने लगी थी कि आखिर इसका क्या सबूत होगा कि चंद्रयान 1 चांद पर पहुंचा था। कहा जाता है कि खुद तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इस चर्चा का हिस्सा रहे थे। दरअसल साल 2008 में चांद पर जाने का भारत का पहला मिशन यानी चंद्रयान 1 महज एक ऑर्बिटर था। उस दौरान अंतरिक्षयान को तैयार किया जा रहा था। तब तत्कालीन APJ अब्दुल कलाम इसरो के दफ्तर पहुंचे थे। एक मीडिया रिपोर्ट में इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर के हवाले से बताया गया था कि कलाम ने तब वैज्ञानिकों से पूछा था कि चंद्रयान 1 के पास ये दिखाने के लिए क्या सबूत होगा कि वो चांद पर पहुंचा था। कहा जाता है कि तब वैज्ञानिकों ने कहा था कि यान चांद की सतह की तस्वीरें ले लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर कलाम ने सिर हिलाया और कहा कि ये पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत यान में एक उपकरण होना चाहिए जिसे चांद की सतह पर गिराया जा सके। तब इसरो ने कलाम की सलाह को माना और यान के डिजाइन में कुछ बदलाव किए। इसके चलते ही मून इम्पैक्ट प्रॉब लूनर सरफेस पर पहुंचा था और चांद की पहली भारतीय चीज बना। भारत का चांद पर पहला मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्षयान चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर केमिकल, मिनरलॉजिकल और फोटोजियोलॉजिक मैपिंग के लिए चक्कर काट रहा था। यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 उपकरण भी शामिल थे। मिशन के सभी अहम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मई 2009 में ऑर्बिट को 200 किलोमीटर बढ़ा दिया गया था। 29 अगस्त 2009 में इसरो का अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क टूट गया था।